पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़। सरकार न्यूनतम पेंशन जो आपकी 1,000 रुपये की राशि को 9 गुना करने की तैयारी करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंगलवार को ईपीएफओ की बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है। इस तरह की बड़ी अपडेट पेंशनर्स के हक में। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आपकी न्यूनतम पेंशन है जो मिनिमम 1,000 रुपये की राशि, उसे बढ़ा करके 9,000 रुपये कर सकती है। पेंशन की रकम में उसे 9 गुना करने के पीछे सरकार का मकसद है कि पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके दायरे है उनको मजबूत करना। मौजूदा आंकड़े के मुताबिक इससे बढ़ से एम्प्लॉय पेंशन यानी कि ईपीएस के सिर्फ 65 लाख पेंशनर से उन्हें कोई फायदा होगा। मोदी सरकार ने साल 2014 में आपकी न्यूनतम मासिक पेंशन की सीमा 1,000 रुपये की राशि को मंजूरी की थी। अब मोदी सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन है उसे 9 गुना तक वृद्धि कर सकती है। इसको लेकर अब तैयारी की जा रही है, जल्द इस यानी कि बढ़ोतरी को लागू किया जा सकता है। मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ी अपडेट आ रही कि सभी पेंशनर्स को बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है।